नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्या सपोर्ट पे, और मैं हूँ ऋषभ। दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है उसमें आप थंबनेल देख चुके हैं कि आज आपको पर्सनल, अगर आप ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो कैसे लेंगे, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो एक सरकार की योजना आई है जिसमें आप बहुत कम खर्चे में और बहुत कम समय में ऑनलाइन अपने ट्यूबवेल का कनेक्शन करा सकते हैं। इसमें आपको कोई चक्कर कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि आप किसान हैं तो वीडियो आपको बहुत ज्यादा आवश्यक होने वाली है। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये किसानों के लिए ही ज्यादा हम वीडियो बनाते हैं अपने किसान भाइयों के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, UPPCL उसमें सर्च करना है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म फिल होगा इसका, प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन का, उसके लिए आपको मैं बता दूं ये कंप्यूटर के माध्यम से ही होगा दोस्तों, मोबाइल से नहीं होगा। अगर आप फोन से करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास अगर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आप नजदीकी कैफे से करा सकते हैं। और आपको जो ऊपर जो सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी, वेलकम टू उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो यहाँ पर आपको विजिट करना है इस वाली वेबसाइट पर। और आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, इस प्रकार से होम पेज ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ आना है, और कंज्यूमर कॉर्नर में आपको चार चैम्बर मिलेंगे, बिल पेमेंट, कनेक्शन सर्विस, माई कनेक्शन और कंप्लेंट। तो आपको कनेक्शन सर्विसेज में नीचे की ओर आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर प्राइवेट ट्यूबवेल। आपको इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दोस्तों आपके कंप्यूटर की या फोन पे अगर चेक कर रहे हैं तो फोन की स्क्रीन पर खुल जाएगा। और वहां पर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नए निजी नलकूप हेतु विद्युत संयोजन के लिए आवेदन। अब आपने अगर सबसे पहली बार ही ओपन किया है इसको, तो सबसे पहले सिंपल ही है, आपको नया पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना यहाँ पर। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है, अपनी डिटेल पर फिल करनी है, फिलहाल मैंने कर रखा है। और यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि फिल करनी है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है कर सकते हैं, नहीं है तो मोबाइल नंबर से भी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पंजीकरण कर लेना है, फिलहाल मैंने कर लिया है। मैं आपको आगे का प्रोसीजर इसमें बता देता हूँ, कैसे लॉग इन करेंगे और कैसे इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर ये आईडी और मैं अपना पासवर्ड भर के इसको आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ। सिंपल है वैसे, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बेहतर जानकारी के लिए एक बार करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जब हम कैप्चा फिल कर देते हैं इसका, उसके बाद हमें लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डैशबोर्ड, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। डैशबोर्ड प्रोफाइल संपादित करें, लॉग आउट, और सबसे पहला एक आ रहा होगा वर्तमान चरण बंद, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वर्तमान चरण पर जाएं। अब 10 चरण है, मतलब 10 स्टेप है इस फॉर्म को फिल करने के। तो सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो चयन करें कनेक्शन का, पूर्ण जमा योजन या सामान्य योजन। तो ये कैटेगरी होती है, पूर्ण जमा योजन करेंगे तो मतलब आपको कुछ स्पेशल सर्विसेज कह सकते हैं दी जाएंगी, और सामान्य योजन में सामान्य कनेक्शन होगा नॉर्मली जो होता है। तो अगर और बाकी आपको अपना पिता का नाम, पति का नाम जो भी है वो भरना है, निवास स्थान भरना है अपना। बाकी ये बात करें तो आपको यहाँ पर जो है अपना विकास खंड भरना है, जनपद, जनपद आपको भरना है कहाँ से है, ग्राम का नाम, और जहाँ पर आप कनेक्शन ले रहे हैं वहाँ की डिटेल, ये आपको विकास खंड कौन सा लगता है, तो वो सारी डिटेल आपको भरनी है। हालांकि ये जो सर्विस है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ही अवेलेबल है और कहीं के किसानों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए सारी जानकारी। अब आपको ये देखिए, ये जो भाग है इस फॉर्म का, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या नलकूप की बोरिंग, मतलब बोरिंग हो चुका है नहीं ये भरना है, और पंप जो आपका मोटर है वो इंस्टॉल हो चुका है नहीं, या आपका जो नहर है एरिया में वो आपके खेत से कितनी दूर है, मतलब कितने इंच का व्यास, मतलब जो पाइप है उसका व्यास कितना है, स्टेशनर की लंबाई कितनी है, बोरिंग की गहराई कितनी है, तो सारी जानकारी आपको फिल करनी होगी पहले चरण में। पहचान पत्र जिसके नाम पर है वो अपलोड करना होगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये फोन से नहीं होगा। और अपनी जो खतौनी खसरा है अपने खेत का वो, और बोरिंग प्रमाण पत्र जहां से बोरिंग कराया है वो प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको दोस्तों सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड चरण में जाना होगा, जिसमें आपको 100 रुपीज का इसका जो है चार्ज पे करना होगा। और फिर आपको तीसरे चरण में जाना होगा, सर्वेक्षण आदेश एवं कनेक्शन संभाव्यता स्थिति, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि आपको कनेक्शन कब तक मिल जाएगा। और यहाँ पर भुगतान विकल्प, मतलब जो कनेक्शन का चार्ज है उसका विकल्प मिल जाएगा ऑनलाइन,
या फिर आप वैसे बैंक के माध्यम से जमा करना चाहते हैं, या आकलित लागत का भुगतान, तो जो आपने मतलब जो आपने कनेक्शन कराया है, मोटर वगैरह सारा जो कुछ भी खर्चा आया है, यहाँ इस वाले आपको 5वें चरण में उसकी जानकारी भरनी होगी। और बी एंड एल फॉर्म का विवरण, तो बी एंड एल फॉर्म होता है एक बोरिंग से रिलेटेड, उसका विवरण आपको भरना है इसमें, और लाइन ऑर्डर का विवरण। तो ये जानकारी आपको एक बार विकास खंड में ही मिलेगी, जहां पर या जहां से आपने बोरिंग कराया वहां से मिलेगी दोस्तों, स्टोर द्वारा सामग्री जारी करने की स्थिति। अब जो स्टोर है विद्युत विभाग का, वो आपके जो कनेक्शन है करने में, उसमें जारी करने की स्थिति, मतलब वहां से जारी हुआ है नहीं, ये आप यहाँ 8वें चरण में देख सकते हैं। और 9वें चरण में लाइन मीटरिंग कनेक्शन, सॉरी मीटरिंग एवं कनेक्शन जारी करने की स्थिति, मतलब मीटर कनेक्शन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कब तक हो जाएगा। और आवेदन पत्र का विवरण आपको 10वें चरण में मिल जाएगा। वैसे अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप एक बार ऐसा कर सकते हैं, आप इसको लॉग आउट करेंगे, जब जब लॉग आउट करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो आवेदक के लिए दिशा निर्देश, ये वाला जो है आप ऑप्शन खोल लीजिएगा। इसमें 24 पन्ने की एक फाइल आपको मिल जाएगी, और इसको ऊपर वाला तो इतना खास नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको फॉलो करें तो यहाँ भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे इसको लॉग इन करना है और क्या क्या आपको करना है दोस्तों। और उसके बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो ये वाला जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ये टोल फ्री है, और ये सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक कार्य करता है, और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन ये नंबर नहीं लगेगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।